हेलो हेलो गुड इवनिंग नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग सब कोई आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड काफ़ी दिन बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बिकॉज़ मैं ट्रैवल कर रहा था और जनरली uh, जब मैं फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूं साल में एक बार थोड़ा लंबा ट्रैवल करता हूं तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा काम वाम पर दिमाग ना लगाऊँ दस बारह दिन का ट्रिप रहता है इंटरनेशनल ट्रिप रहता है ये तो ऐसा रहता है ट्रिप की मन नहीं करता है एक्चुअली वेरी ऑनेस्टली कि बहुत ज़्यादा अपने माइंड को कहीं और रखो रखूँ uh, जैसा कि आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे मैंने ट्रिप किया आई वेंट टू फ्रांस एंड आई वेंट टू स्विट्जरलैंड मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस स्विट्जरलैंड का तो बहुत अच्छा रहा मैंने पिक्चर्स भी शेयर किए थे आपके साथ में सम ऑफ यू हैव गिवेन सच लवली कमेंट्स ऑन दोज पिक्चर्स थैंक यू बट मेरा फ्रांस का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा मुझे लगता है कि फ्रांस एज अ कंट्री काफ़ी हद तक स्ट्रगल कर रहा है सोशल स्टेटस वाइज आई थिंक दे आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ टर्बुलेंसेस तो मज़ा नहीं आए वहाँ जाके ऑल दो आई टावर वगैरह सब देखा लेकिन एक जो फील होती है ना हॉलिडे वाली और अच्छी फील वो अच्छी फील वहाँ से नहीं आ पाई बट स्विट्ज़रलैंड कॉम्पनसेटेड आई थिंक वो एक ऐसा कंट्री है जो कि हम सब के बकट लिस्ट पर रहता है थैंक्स टू तो मिस्टर यश है न जिन्होंने हमको बताया कि स्विट्जरलैंड कितना ब्यूटीफुल हो सकता है इट इज़ एक्चुअली क्वाइट क्वाइट ब्यूटीफुल सो थैंक्स अलॉट टू यश चोपड़ा जी जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल कंट्री से हमको इंट्रोड्यूस करवाया तो ये जो वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा है ना छोटा सा वीडियो और अभी ऐसे ही रिकॉर्ड किया क्योंकि बहुत दिन हो गया था रिकॉर्ड नहीं किया था तो मन कर रहा था एक रिकॉर्ड तो करें इतना दिन हो गया और दो वीकेंड एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड करूंगा जहाँ पे लास्ट दो वीकेंड मैंने नहीं रिकॉर्ड किया तो इस वीकेंड एनालिसिस में पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि क्या लग रहा है मार्केट का आज का जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं एक सेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि है फर्टिलाइजर सेक्टर जहां पे स्टॉक प्राइसेस पिछले कुछ दिनों से दबा तर्क बढ़ रहे हैं और आज पर्टिकुलरली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो 20-20 परसेंट -20 भी तेज हुए अपर सर्किट पे बंद हुए तो ऐसा क्या हो गया फर्टिलाइजर के अंदर में कि अचानक से इतनी तेजी आ गई और हम हमारे जैसे लोग जो हैं हम लोग सब आम आदमी है ना हम लोग सबको इस तरह का तेजी में कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए तो रीजन uh, कुछ भी हो सकता है रीजन एक्चुअली बाद में पता लगता है कि क्यों कोई सेक्टर चल गया क्यों कुछ स्टॉक चल गया लोग कहते हैं रीज़न ये है कि जीएसटी काउंसिल uh, की मीटिंग होगी जहां से फर्टिलाइजर्स को जीएसटी से हटाने की बात चल रही है और हो सकता है इसके अंदर में सब्सटेंस हो कई बार क्या होता है कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जो इलेक्शन ड्रिवेंट सो बजट ड्रिवेन होता है तो क्योंकि बजट थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आने को है तो पॉसिबिलिटी है कि ये जो फर्टिलाइजर रेलवे ओरिएंटेड स्टॉक ये सारे जो हैं इनके अंदर में एक्टिविटी रहे तो uh, बहुत डिफिकल्ट होता है इसको प्रीएम्प्ट करना कि ये हो सकता है लेकिन अगर आप डेटा ड्रिवेन काम करते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं और क्यों आपको ये काम करना चाहिए अगर आप सही मायने में इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं स्टॉक एनालिसिस जो स्टॉकेज है जिससे बेस्ट एनालिसिस आप कर सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि वो करके आप कैसे ये सेक्टर को आइडेंटिफाई कर पाते मैंने किया था इसीलिए मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूं तो एक डेटा है जो जो मैंने आई थिंक मैं इस चीज का क्रेडिट लेना चाहूंगा अगर आप मुझे अलाउ करेंगे कि पूरे भारत देश को फाइनेंशियल मार्केट का डेटा में डिलीवरी डेटा को देखना शायद स्टॉकेज ने सिखाया उसके बाद तो बहुत लोग आगे कॉपी किया हमको बट क्योंकि डिलीवरी डेटा मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी डिलीवरी डेटा को डेली बेसिस पे केयरफुली ऑब्जर्व करेगा ना तो वहां पर गोल्ड माइंस है ठीक है ना डिलीवरी डेटा क्या होता है आज अगर एक्सचेंज के अंदर में किसी स्टॉक में बहुत सारा ट्रेड हुआ है आ, लिया बिचू लिया बिचू लिया बिचू जो हुआ है तो वो वॉल्यूम हुआ ठीक है अब उसमें से कुछ ट्रेड जो है वो एंड ऑफ द डे डिलीवरी में कन्वर्ट होते हैं मतलब जो लेके गया है वो डिलीवरी लेके जाएगा और जो बेच के गया पोजीशन वो शेयर दे के जाएगा ये जो डिलीवरी डेटा है ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि जो लेने वाला है उसका इंटेंट है कि वो लंबे दिन के लिए पोजीशन होल्ड किया है जो बेचने वाला है उसका मानना है कि हो गया अब मुझे इस स्टॉक को बेच देना चाहिए तो हमारा दायित्व तो क्या हमारा तो है हमारा दायित्व ये है

सेक्टर या इंडस्ट्री लेवल पे देखते हैं तो ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है मतलब अगर पूरे सेक्टर में डिलीवरी बढ़ी है तो इसका मतलब कोई आया जिसने पूरे सेक्टर में पोजीशन बिल्ड किया है या किसी ने पूरे सेक्टर के अंदर में पोजीशन को लिक्विडेट किया बरबर है बिल्ड किया मतलब भाव बढ़ा है इसीलिए इस सेक्टर में डिलीवरी बढ़ी है तो मतलब बाहर आया है अगर भाव घटा है और डिलीवरी घटी है बढ़ी है तो इसका मतलब सेलर आया था है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट सुन में आगे आपको अब यही कॉन्सेप्ट को अपने देखते हैं ये फर्टिलाईजर जो सेक्टर है इस पर यह कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है और अगर आपने सही तरीके से स्टॉकेज को यूज किया होता है या किसी भी डेटा प्लेटफॉर्म को यूज किया होता रिलायबल डेटा प्लेटफॉर्म को यूज किया होता तो ये अपॉर्चुनिटी आप डेफिनेटली मिस नहीं करते तो मैं आपको अभी स्क्रीन uh, शेयरिंग करूंगा दो मिनट के अंदर में और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉकेज को यूज करके इतना जबरदस्त तेजी एक सेक्टर में है इसको आप, आप मिस नहीं करते और ये सीख लीजिए क्योंकि अगर आप ये रोज करेंगे ना तो आपको ऐसे और बहुत सारे सेक्टर्स मिल जाएंगे जिसमें कभी ना कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे ओके तो चलिए स्क्रीन शेयरिंग किया मैंने और सबसे पहले अपने स्टॉकेज के अंदर भी चलते हैं और यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं तो अपने सेक्टर में गए और ये केमिकल फर्टिलाइज़र जो है ये केमिकल है ठीक है तो यहाँ मैं सर्च कर सकता हूँ फर्टिलाइजर तो फर्टिलाइजर देखिए केमिकल सेक्टर का पार्ट है और यहाँ पर फर्टिलाइजर है जिसमें तीस स्टॉक है एक बार इसके अंदर में चलते हैं ठीक है इसके अंदर में एक बार मैं सीधा डिलीवरी डेटा में आ जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये डिलीवरी डेटा जो है ना जितने भी फर्टिलाइजर के स्टॉक्स थे ना इनका समीशन है ये आई थिंक इंडिया में शायद कोई नहीं दिखाता है अभी अब जैसे मैंने आज बोल ही दिया तो कोई ना कोई कॉपी कर ही लेगा बट नन हम इनोवेट करते रहेंगे आपके लिए ताकि आपको जो पावर चाहिए ना वो हम आपको पावर देते रहेंगे अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो 10 जून को आप देखो अचानक से इसके अंदर में डिलीवरी बहुत बड़ी है ठीक है जो डिलीवरी इस सेक्टर के अंदर में तकरीबन यू नो 206 करोड़ 250 करोड़ होती थी अचानक से 690 करोड़ की डिलीवरी भरी है उस दिन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा और भाव भी जो मार्केट कैप है ये पूरे इंडस्ट्री का है में, ठीक है? तो मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो वन फिफ्टी नाइन वन लाख फिफ्टी नाइन थाउजेंड करोड़ से मार्केट कैप बढ़ गया वन लाख सेवेंटी थाउजेंड करोड़ तो ये दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है दस जून और यही अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक डेटा देखूंगा ना दस जून का जो कि शायद हमको यहां पर अभी दस जून का डेटा दस जून हुए काफी दिन हो गए तो यहां पर नहीं दिखेगा पिछले हम यहाँ पर छह दिन का दिखाते हैं बड़े बड़े लाइंस थे यहाँ पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक डिलीवरी का हम डेटा देखें तो इनफैक्ट कल भी अगर हम देखें कल का डेटा तो कल भी इस सेक्टर के अंदर में वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड करोड़ की डिलीवरी हुई है सुपरदस्त जो कि दस जून को कितनी दी छ सौ नब्बे करोड़ की डिलीवरी इसका मतलब कांस्टेंट बेसिस पे किसी को पता है कि इस सेक्टर के अंदर में कुछ आने वाला है या कुछ है जिसके कारण वो डिलीवरी उठाया जा रहा है बरोबर है राइट right? एग्रीड तो ये ये डिलीवरी पहले कल की डिलीवरी है मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन शाम के पांच बजे तो इसका डिलीवरी डेटा अपडेट होगा तकरीबन रात के आठ बजे उसके बाद आपको आज का भी दिख जाएगा क्या डिलीवरी हुआ है बट ये आपको समझ में आ गए कल का देखिए सारे स्टॉक्स मोटा मोटी सारे स्टॉक्स इस सेक्टर में जो है इसमें देखिए हाई डिलीवरी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है

सामूहिक तेजी बन रही है तो उसका मार्केट ब्रेथ में भी वो तेजी दिखनी चाहिए अगर आप देखिए दस जून से कितना जबरदस्त ब्रेथ है सेक्टर में ग्रीन 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 इसका मतलब ये सेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड सेक्टर एज फार एज सेक्टर रोटेशन इस कंसर्न ठीक है तो अब मैं थोड़ा वापस जाता हूं यहां पे सेक्टर रोटेशन जो कि मुझे लगता है कि सबसे पावरफुल टूल है एक सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए अगर आप सीरियस है ना मार्केट में आप अपने बदौलत कुछ करना चाहते हैं दूसरे के बोले हुए मैं उसको कहता हूं कि यू नो you know, दूसरे का छोड़ा हुआ पैसा हम नहीं कमाना चाहते हम खुद अपने बदौलत खड़े होना चाहते हैं सेक्टर रोटेशन के अंदर में जो ऊपर में जितने भी सेक्टर्स है ना ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है इसलिए तो ग्रीन है बरोबर है और ये जो डिलीवरी है सेक्टर स्पेसिफिक डिलीवरी और इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिलीवरी इसको हमको

ब्रेथ में उतनी ग्रीन नहीं है यहां लाल है थोड़ा यहां लाल है लाल है तो मुझे उतना कंफर्ट नहीं आएगा जितना प्रॉब्लम में कोई दूसरे सेक्टर को देखूंगा उस पर मेरे को कंफर्ट आएगा अगर मैं डिलीवरी देखूं तो डेल्टा कॉप में डिलीवरी हुई है बट ओवरऑल सेक्टर के अंदर भी कोई बहुत ही ताबड़तोड़ डिलीवरी नहीं हुई है तो मैं इसको तरह दूर हट जाऊंगा फर्टिलाइजर से एक बार टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर देखिए यहाँ पर प्राइस घटा है घटा है तो इसका मतलब किसी बड़े आदमी ने सेल किया यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा हुआ था वोडाफोन ने इंदस्ट आवर का डील किया था तो इसीलिए यहाँ पर आपको वॉल्यूम में बहुत इंपैक्ट नज़र आ रहा है तो इसको एक बार अपने साइड कर देते हैं देखिए डेली करना पड़ेगा डेली करेंगे तब अपने को आइडेंटिफाई होगा देखिए पैसा बनाना इतना ईजी नहीं है भगवान को पाना इतना ईजी नहीं है मेहनत बहुत करनी पड़ती है डेली ये करेंगे तो मेहनत सफल रहेगा फ्लोरिकल्चर इसको देखिए डिलीवरी हाई हुआ प्राइस ऊपर बढ़ा अब इसके अंदर चलते हैं पहले अपने वाला लाल है बट बाकी सब ग्रीन है और यहाँ डिलीवरी देखें तो इंद्रानी बायोटेक के अंडर में डिलीवरी बढ़ी है ट्रेसकॉन में दो ही स्टॉक्स है तो दो स्टॉक्स में हम क्या ही सेक्टर का एक व्यू बना पाएंगे अब अपने चलते हैं ऑटो एंसिलरी के अंदर में Uh, जहां पर तकरीबन सौ स्टॉक की डिलीवरी बढ़ी है प्राइस घटा है फास्टनर आ ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है फास्टनर के अंदर में प्राइस बढ़ा है और यहाँ देखिए स्टर्लिंग टूल में प्राइस बढ़ा है लेकिन सिमंस में नहीं बढ़ा लक्ष्मी में हल्का सा डिलीवरी बढ़ा है इसका ब्रेथ स्टडी करते हैं इसका ब्रेथ बहुत पॉजिटिव है तो यस फास्टनर एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट हो सकता है जिसको हम देख सकते हैं इसका डेट वाइज भी अगर डिलीवरी देखें तो हिस्टोरिकली पिछले कुछ दिनों में इस दिन में इसमें डिलीवरी अच्छी बनी थी चौदह जून को कल इसके अंदर में डिलीवरी अच्छी बनी थी इसका मतलब ये सेक्टर को भी हम देख सकते हैं ठीक है ये कंक्लूड हो गया अब हम आते हैं कौन से स्टॉक को देखना है तो इसमें से तो कौन से स्टॉक को देखना है वो स्टॉक पे फोकस करना है जो सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो स्टर्लिंग टूल मूविंग एवरेज के ऊपर है सिमं मार्शल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी अब हम नीचे जाएंगे स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट स्टडी करेंगे कैसा लग रहा है मेरा आर मॉडल 0 के ऊपर है आर एस आई पचास के ऊपर है है 50 के है है प्राइस पॉजिटिव क्या मुझे एंट्री करनी चाहिए मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है क्यों क्योंकि मेरा सारा कंडीशन ये स्टॉक सेटिस्फाई कर रहा है तो इस पे क्या मैं थोड़ा क्वेश्चन बिल्ड करूंगा अगर मुझसे पूछेंगे मैं करूंगा बिल्ड क्यों क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये रैली जो दे उसमें मैं पार्टिसिपेट करूं तो अगर मुझे सपोज इसके अंदर में दस लाख डालने तो मैं दो लाख से चालू करूंगा ताकि ये गिरे तो मेरे में और पोटेंशियल अंदर चलते हैं। इसका चार्ट देख के क्या लग रहा है क्या ये उतना कन्व्यक्शन आपको लग रहा है जितना कन्व्यक्शन पहले वाला चार्ट था आंसर इज नो व्हाई बिकॉज ये ब्रेकआउट के नीचे है तो मैं वेट करता हूं जब ब्रेकआउट होगा तभी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ नहीं तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करता हूं मैं यही चीज आपको अगर एक और तरीके से दिखाऊं जो थोड़ा लंबी अवधि के लिए काम करना चाहते हैं फर्टिलाइजर ये जो सेगमेंट है इसी के पॉइंट ऑफ से दिखाता हूं तो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का एन 500 का वॉच लिस्ट है एनएससी फाइव हंड्रेड इस मोटा मोटी वो लिस्ट है जिसको मैं फॉलो करता हूं जिसको मैं एनालाइज करता हूं क्योंकि मुझे मोमेंटम अगर खेलना है तो एन एस फाइव के स्टॉक्स में ही मोमेंटम खेलना सेफर होता है बिकॉज इसमें लिक्विडिटी होती है डेप्थ होता है ठीक है अब यहां पर अगर मैं ये मेरा लंबी अवधि का चार्ट है बाय द वे ये वीकली चार्ट है जिसपे मैं आर एस ट्वेंटी वन यूज़ करता हूँ आर एस आई यूज़ करता हूँ पी रेशियो देखता हूँ ये पूरा सिस्टम सब कुछ मैं आपको समझा चुका हूँ सिखा चुका हूँ लर्न टू ट्रेड में और अगर आप फिर भी मुझसे रियल टाइम और सीखना चाहते हैं या रियल टाइम स्टॉक आइडियाज़ मुझसे कंज्यूम करना चाहते हैं मेरी टीम से कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप स्टॉकेज क्लब का मेंबरशिप ले लीजिए वहां पर मैं कांस्टेंट बेसिस पे रियल टाइम बेसिस पे अपने स्टॉकेज परिवार के साथ रहता हूं ताकि मैं स्टॉक आइडियाज भी जनरेट करके दे सकता हूं दू uh, प्लस उनको लर्निंग भी दें जैसे यही जो सेक्टर की बात मैं आपके साथ कर रहा हूं अभी या स्टॉक की बात कर रहा हूँ ये सब मैं स्टॉकेज क्लब के अंदर में अपने अपने तरीके से मैंशन करता जा रहा हूँ स्टॉकेज क्लब मेंबर लोग के लिए ठीक है अब आइए यहाँ पर तो आप देखिए अगर हम लंबी अवधि का ब्रेकआउट पे फोकस करें तो आप देखिए यहाँ पर फैक्ट नहीं कितना जबरदस्त ब्रेकआउट दिया यहाँ पे और प्राइस भी आर एस पी पॉजिटिव हुआ तो ये अच्छा मूवमेंट यहाँ से दे सकता है आर सी एफ देखिए सब ने लेटेस्ट एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और आर एस पी सबका पॉजिटिव हुआ है तो ये लंबा मूवमेंट दे सकते हैं ये आ, लेकिन फैक्ट और आर सी एफ अभी की है अगर आप चंबल देखें तो चंबल ने बहुत पहले ही दे दिया था और इसका आर एस पॉजिटिव काफ़ी टाइम से था दीपक फर्टिलाइजर इसने अभी आर एस पॉजिटिव हुआ है ये ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दे दिया बेसिकली आइडिया इज कि एक सिस्टम मैंने बना रखा है कि मैं सेक्टर रोटेशन से डिलीवरी से सेक्टर आइडेंटिफाई करूंगा उन सेक्टर्स के ब्रेथ को स्टडी करूंगा और उसमें जो स्टॉक्स है जो मोमेंटम में अभी काफ़ी स्ट्रांग है उनका चार्ट को मैं एनालाइज करूंगा और मैं कोशिश करूंगा जितनी लंबी अवधि का एक बेस को वो ब्रेकआउट दे रहे हैं उतना मेरा कन्विक्शन बढ़ेगा और मैं उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करूंगा तो ये प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे और स्टॉकेज uh, है स्टॉकेज क्लब है हर तरीके से हम ये प्रोसेस आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर फर्टिलाइजर आप नहीं पकड़ पाए हैं तो खैर अभी भी उसमें रूम लग रहा है अभी भरना चालू ही किए वो बट डू नॉट वरी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स इंडाइसिस अवेलेबल है जो आपको एक एज दे सकते हैं बस थोड़ा डेटा आपको स्टडी करना पड़ेगा बिकॉज डेटा में वो पावर है कि वो आपको एक प्रियमटिव एक्शन लेने में हेल्प करता है इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि डेटा की भाषा बात करो डेटा की भाषा बात करो बिकॉज डेटा ही आपका साथी है बाकी सब आपका कोई ना कोई तरीके से फायदा उठाने में लगे हुए चलिए थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए एक छोटा सा वीडियो था थोड़ा सा लर्निंग आई होप इट वाज यूजफुल और शेयर कीजिएगा सबके साथ और uh, इस वीकेंड मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ uh, एक वीकेंड वीडियो uh, बहुत फ्रेश अच्छा फील हो रहा है और हेल्थ भी कंट्रोल में है बेटर फील हो रही है तो आई थिंक आई विल बी रिकॉर्डिंग मोर वीडियोज और वापस से वही एनर्जी के साथ में आपके साथ में जुड़े रहेंगे और इलन um, मार्केस के यूट्यूब चैनल पे फेस टू फेस इन्वेस्टिंग जो कि दस टॉप मेरे इन्वेस्टिंग फेस टू फेस का एग्रीगेशन मैं इस फ्राइडे को रिलीज करूंगा वो आपको डेफिनेटली देखता है और फिर यहां से और फर्दर वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा थैंक यू गुड नाइट टेक केयर एंड जय हिंद